हरे कृष्णा। आज हम अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 7 तक व्याख्या करेंगे और उसका मनोविज्ञान समझेंगे। गुरु नहत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपेह लोके हत्वार्थ कामास्त गुरुन निहैवा भुञ्जीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान न चेत द्वित्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जजीव श्याम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्लोक नंबर 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन अपनी ही बातें कहे चले जाता है और साथ में पूछता भी मालूम पड़ता है भगवान श्री कृष्ण से कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। वो पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन वस्तुतः वो धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये भी बारंबार भगवान श्री कृष्ण को बताया चला जा रहा है। कह रहा है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है युद्ध भूमि में। कह रहा है कि मैं सारे धैर्य खो चुका हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं क्या करूं, क्या उचित है और क्या अनुचित है। सारे धैर्य खो चुका है, सारा बोध खो चुका है, लेकिन साथ में यह भी कहे चले जा रहा है कि अगर अपनों को मारकर अगर मैं वो अन्न भी खाऊंगा तो वो अन्न रक्त से सना हुआ होगा, वो अन्न रक्त में डूबा हुआ होगा। अपनों को मारकर सम्राट बन जाने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। दुविधा में है, लेकिन वो बार बार निर्णय भी दिए चला जा रहा है कि मैं भिखारी बन जाऊंगा, भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और साथ में यह भी कह रहा है कि इनको मारना अधर्म है, हैं तो मेरे गुरुजन ही। भले चाहे ये लोग मुझे मिलकर मार दें लेकिन मैं उनको नहीं मार सकता।
अविद्या से मेरा मन घिर गया है, और साथ में भगवान श्री कृष्ण को बताया भी चला जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए मुझे और ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि अगर अविद्या से मन घिरा हुआ है तो साधारण सी बात, वो कृष्ण से यह बोले कि भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, अविद्या से मेरा मन भर गया है, नहीं। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को साथ में यह भी बताया चले जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उसका मन अविद्या से भरता तो उसको कुछ सोचता ही नहीं। यहां भी उसकी बातों में दोहरापन है, यहां भी वो कहे चला जा रहा है कि ये सही है, लेकिन पूछ भी रहा है क्या ये सही है। हमारा मन भले ही चाहे कितना भी कहे कि वो अविद्या से भर गया है, कि मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, फिर भी अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे अंदर अविद्या है। अहंकार कहता है कि अविद्या और मुझ में, मूर्ख और मैं, नहीं, मुझे पता है कि धर्म क्या है। वो तो मैं विनम्र होने के लिए ऐसी बातें सामने वाले से कहूं। और दूसरी बात, जब हम अध्याय 5 पढ़ते हैं तो उसमें देखने वाली बात यह है कि अहंकार अति का चुनाव करता है, या तो सबसे ऊपर, या तो उसे सब कुछ चाहिए, या उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह सदा पीक का चुनाव करता है, अतियों का चुनाव करता है। एक अति से ठीक दूसरी अति चुनता है। अहंकार कभी बीच में खड़ा नहीं हो सकता। अगर अहंकार बीच में आके रुक गया तो अहंकार की मृत्यु है, लेकिन नहीं, अहंकार ही स्वीकार नहीं करता, या तो सम्राट या फिर भिखारी। अर्जुन या तो सम्राट हो सकता है या वो भिखारी हो सकता है, बीच में कहीं नहीं हो सकता। या तो वह उस छोर पर सबसे ऊपर होगा या इस छोर पर सबसे नीचे होगा। और ये जो उसने विकल्प चुना है कि उसे सम्राट नहीं होना है, उसे भिखारी होना है, अब यह विकल्प भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा विकल्प सिर्फ अहंकार ही चुन सकता है। एक अति से दूसरी अति का चुनाव सिर्फ अहंकार ही कर सकता है, सम्राट बनो या भिखारी बन जाओ। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो अच्छा है कि मैं भिखारी हो जाऊं, मैं सड़कों पर भीख मांगते फिरूं। ऊपर से तो दिखाई पड़ रहा है हमें, सभी लोगों को, गीता पढ़ने वालों को, कि अर्जुन बड़ी विनम्रता की बात कर रहा है। इससे ज़्यादा विनम्रता तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सम्राट होने को त्याग रहा है और भिखारी होने को चुन रहा है, लेकिन उसके भीतर अगर हम जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। भीतर बात वही है, भीतर बात वही होने की, अति का चुनाव करने की, अहंकारी होने की। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं सम्राट होना नहीं चुनता हूँ, मुझे युद्ध नहीं जीतना है, मैं खेतों में हल चलाकर अपना लालन पालन कर लूँगा, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना लालन पालन कर लूँगा, नहीं, सीधा सम्राट से भिखारी। क्या अर्जुन के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना पेट पाल सके? क्या उसको भीख ही मांगनी जरूरी है? क्या वो इतना निर्बल और इतना असहाय है कि वो भीख मांगे? नहीं, वो मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, वो धनुर्विद्या की शिक्षा दे सकता है बाकी बच्चों को, लेकिन नहीं, वो अति का चुनाव कर रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण के सामने विनम्र से विनम्रता दिखा रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण को दिखाना चाहता है कि देखो,
मैं सम्राट के पद को छोड़ता हूं और मैं भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। अंतिम ये सबसे ऊपर जो होने की इच्छा होती है वो अहंकार की ही इच्छा होती है, या तो अंतिम उस छोर पर या अंतिम इस छोर पर, मध्य उसके नहीं, मध्य मार्ग उसके लिए नहीं है। भगवान बुद्ध की जो सारी शिक्षा है वो मध्य मार्ग पर है कि मध्य को चुनो, न तो इस अति को ना उस अति को, बीच का मार्ग। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो दोनों अतियों के बिल्कुल बीच को चुन लेता है, बिल्कुल बीच में आगे खड़ा हो जाता है, उसकी तुरंत मुक्ति हो जाती है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत ही मीठी कथा है। भगवान बुद्ध आए हैं एक गांव में ठहरने के लिए। वहां का सम्राट उनसे दीक्षा लेने के लिए आया है, उनसे संन्यास लेने के लिए आया है। जब भगवान बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि वो सम्राट आया है भगवान बुद्ध के पास दीक्षा लेने, संन्यास लेने, तो उनके शिष्यों ने भगवान बुद्ध के कान में जाकर कहा कि हे भगवान, सावधान रहना, यह व्यक्ति भरोसे का व्यक्ति नहीं है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने हल्के से शिष्यों की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा कि यही सबसे ज़्यादा भरोसे का व्यक्ति है और किसी पर मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा भरोसे का व्यक्ति है। तो शिष्यों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप नहीं जानते हैं, नहीं नहीं भगवान, आप नहीं जानते हैं, यह बहुत ही ऐशो आराम में रहा है, इसके कमरों में शराब से भरे हुए मटके हमेशा रखे रहते हैं, इसके दरबार में नृत्यकियाँ हमेशा नृत्य करती रहती हैं, और जब ये जिस सीढ़ी पर चलता है, जो उसकी रेलिंग होती हैं, उनकी रेलिंग की जगह यह नग्न स्त्रियाँ खड़ी करता है और इनके कंधों पर हाथ रख कर चलता है, यह सम्राट है और इसने अभी तक भोग विलासितापूर्ण ही जीवन जाना है और इसने बहुत अति का जाना है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जहाँ तक मैं आदमियों के परख करना जानता हूँ, यह आदमी मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। अब यह सारी अतियों से ऊब चुका है, जो भी इसने अतियाँ की हैं, अब यह दूसरी अति को चुनना चाहता है। यह सम्राटों में सम्राट था, अब ये भिक्षुओं में भिक्षु बन के दिखाएगा। शिष्यों ने कहा था कि हमें नहीं लगता कि ये भीख मांग सकेगा, हमें नहीं लगता कि ये नंगे पाँव धूप में चल सकेगा, हमें नहीं लगता कि ये सूरज का तेज, सूरज का ताप सह सकेगा, हमें नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अगले दिन वैसा ही सत्य हुआ जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था। दूसरे दिन देखा भिक्षुओं ने, अगर भिक्षु मार्ग पर चलते तो वो कांटों वाली मार्ग पर चलता, वो कांटों को देखकर चलता, जानबूझकर उन कांटों पर चलता, और अगर भिक्षु वृक्ष की छाया में लेटे हुए होते तो वो धूप में जाकर खड़ा हो जाता। अगर भिक्षु दो दिन में एक बार खाना खाते तो वो सम्राट चार दिन में एक बार खाना खाता। छह महीने बीते, वो सूखकर बिल्कुल कांटा हो गया। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि कहो क्या कहते हो, कि ये सम्राटों में सम्राट था, अब भिक्षुओं में भिक्षु है। तो भगवान बुद्ध के भिक्षु थोड़ा हैरान हुए। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, आपने ये कैसे जान लिया कि यह भिक्षु में भिक्षु हो जाएगा, आपने यह कैसे जान लिया कि यह भरोसे का आदमी है, जबकि हमने तो कहा था आपसे कि यह भरोसे का आदमी नहीं है, आप तो हमें सदैव चौंकाते रहते हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अहंकार सदैव दो अतियाँ चुनता है, बीच में उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। यह सम्राट था सम्राटों में, अब भिक्षु है भिक्षुओं में। तुम चलते हो रास्ते पर, यह चलता है कांटों पर। तुम लेटते हो पेड़ों की छाँव में, यह
खड़ा हो जाता है धूप में। तुम खाते हो 2 दिन में एक बार भोजन, यह ग्रहण करता है 4 दिन में एक बार भोजन। जब इसने सम्राटों में सम्राटों को मात दी, तो अब तुम भिक्षुओं को मात ना देगा। लेकिन अंतर नहीं है, वहाँ भी अहंकार की अति थी और यहाँ भी अहंकार की अति है। तुम्हें ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कि कितना विनम्र व्यक्ति है, कितनी विनम्रता है इसके अंदर, लेकिन यह विनम्रता नहीं है, यह अहंकार है। अहंकार ने उस अति को चुना और उसने सारे भोग विलासतापूर्ण उससे कार्य करवाए। अब अहंकार इस अति को चुन रहा है, ठीक उससे उल्टी। तो अब ये भिखारी में भिखारी है, भिक्षु में भिक्षु है। अर्जुन भी ठीक यही बात कर रहा है। अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं सम्राट होना छोड़ दूँ और मैं भिखारी बनना पसंद करूँगा, मांग सकता हूँ, बिल्कुल मांग सकता है। अहंकार की तृप्ति भिखारी बन के भी हो सकती है। अर्जुन मध्य में नहीं रुक सकता, अति बढ़ जा सकता है, लेकिन अति पर जाने से कोई रूपांतरण तो नहीं हुआ उसके भीतर। भगवान श्री कृष्ण का गीता कहने का मतलब है कि अर्जुन की चेतना में रूपांतरण हो। लेकिन ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो वो बड़ी विनम्रता की बात कर रहा है, लेकिन ये रूपांतरण नहीं है, ये विनम्रता एक धोखा है। वो अभी भी अति को चुन रहा है। एक अहंकार उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना देता है और एक अहंकार उसको भिखारी भी बना सकता है और वो भीख भी मांग सकता है। फिर एक दिन भगवान बुद्ध उस सम्राट के पास गए और सम्राट से जाकर बोला। देखा तो वो सम्राट बीमार पड़ा हुआ है एक वृक्ष के नीचे। भगवान उसके पास गए और उससे पूछा कि मैं कुछ पूछने आया हूँ सम्राट तुमसे, कि मैंने सुना है कि जब तुम सम्राट थे तो तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, तुम वीणा बजाने में बहुत कुशल थे। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि अगर वीणा के तार बहुत कसे हुए हों या बहुत ढीले हों तो क्या वीणा से टंकार पैदा हो सकती है? तो उस सम्राट ने कहा कि नहीं भगवान, अगर वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे हुए हों तो टंकार पैदा नहीं होगी, वो वीणा के तार टूट जाएंगे, और अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तब तो संगीत ही पैदा नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि तो चलो ठीक है भाई, मैं तुमसे यही पूछना आया, मैं चलता हूँ। लेकिन जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहता जाऊँ, जो नियम वीणा पर काम करता है, ना तो तार बहुत ज़्यादा कसे हुए और ना ही बहुत ज़्यादा ढीले, बीच में कहीं मध्य में, ना तो कसा हुआ और ना ही बहुत ढीला, और जब वो मध्य में होता है तो एक मधुर संगीत पैदा करता है जो कि कानों को और आत्मा को बहुत प्रिय होता है। जीवन की वीणा का भी यही नियम है, ना तो इस छोर पर कसा हुआ ना उस छोर पर बहुत ढीला। अर्जुन अगर कहीं मध्य की बात करता, अर्जुन अगर कहीं बीच में रुकने की बात करता, तो भगवान श्री कृष्ण उससे कहते कि जाओ, बात समाप्त हो गई, यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है, अब मैं कर लूँगा जो मुझे करना है, बात ही समाप्त हो गई, अब तुम जाओ। लेकिन नहीं, वो अतियों का चुनाव कर रहा है, एक सम्राट की अति और एक भिखमंगे की अति। श्लोक नंबर 7, अर्जुन कहता है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो शेखर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। सारी की सारी बातें तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण तक कह दी, अब कहने के लिए बचा ही क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी देख लिया है
कि यह व्यक्ति विनम्र नहीं है, अहिंसक नहीं है, दया नहीं है, बस ये अहंकार की तृप्ति कर रहा है, एक अति से दूसरी अति को चुन रहा है। दया का भाव दिखाकर ये कह रहा है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मैं इन सबको मारूं, मैं, मेरी इमेज कायम रहनी चाहिए। हम सभी भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं कि मैं और ऐसा काम करूं, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अगर ये काम करता हूं तो जो मेरे प्रतिमा मेरे नज़रों में, मेरी आंखों में बनी हुई है, वो खंडित हो जाएगी, और वो खंडित होगी तो मैं अपनी ही नज़रों में निंदित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे अपनी नज़रों में निंदित नहीं होना है। अर्जुन अगर कहीं बीच का चुनाव करता तो युद्ध उसके लिए वहीं ख़त्म हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। परमात्मा सभी का भला करे।